फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। आज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयर धारकों के लिए सबसे खराब दिन रहा। एक ही दिन में उनके करोड़ों रुपए डूब गए और शेयर की प्राइस 19% गिर गई। और उसके पीछे वजह बनी सर्किट का नहीं लग रहा, यानी 20% की सर्किट सीमा रखी हुई थी और इस वजह से उतनी ही गिरावट भयंकर तेजी से हो गई और बहुत ही अप्रत्याशित भारी वॉल्यूम के साथ में आज कामकाज हुआ। लोगों ने औने पौने दाम में अपना माल बेचने की कोशिश की और इसकी वजह से जबरदस्त यहाँ पे त्राहिम त्राहिम मच गया और प्राइस बहुत ही नीचे आ गई। अब क्या होगा आगे? क्या इसकी प्राइस शून्य हो जाएगी या फिर कुछ संभावनाएं बची है? क्योंकि जिस तरह से सरेंडर कर दिया है आदित्य बिरला ग्रुप ने, अपनी हिस्सेदारी वो सरकार को सौंपने को तैयार हो गए। चाहे आप इसका कुछ भी करें पर हम इसमें से बाहर निकला जाते हैं। और जो ये जो मामला बना है ये क्या है और इसको पूरा अच्छे से हम समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या संभावना बन रही है, क्या वोडाफोन आइडिया में फिर से तेजी का माहौल बन सकता है या पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा। तो इसको आप पूरा स्टार्ट से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखें, आपको कुमार मंगल बिरला की जो बातें हैं वो समझ में आएगी। उन्होंने ऐसा स्टेप क्यों उठाया और आगे क्या संभावना बन रही है, क्या कुछ और इसका भविष्य बन सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज अगर वोडाफोन आइडिया की बात करें तो करीब 7.15 पर करीब स्टॉक ओपन हुआ था। इसने हाई भी बनाई 7.35 की, लेकिन फिर इसमें 5.95 का लो लग गया, यानी स्टॉक बिल्कुल 20% लोअर सर्किट पर लग गया और एंड में 6 रुपये की जो क्लोजिंग दी है तो बहुत ही ज़बरदस्त लॉस हो गया लोगों को। ये इसकी जो प्राइस है वो अपने 52 वीक के लो के पास पहुंच गया, यानी 5.95 का इसका 52 वीक का लो था, तो पिछले एक साल के लो के ऊपर आ चुका स्टॉक और 13.80 से बहुत ज़बरदस्त गिर चुका है। यानी लोगों की प्राइस जो थी वो बिल्कुल आधी से भी कम रह गई है। अभी जो अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो मात्र 0.84% ही ऊपर है स्टॉक और ऊपर के लेवल से करीब 57% वापस गिर भी चुका है और पिछले एक महीने में इसने 31% का निगेटिव रिटर्न दिया है। तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिरावट में आ चुका है। अगर इसके वॉल्यूम को आप देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। पिछले एक महीने पहले इसका 46 करोड़ का वॉल्यूम था, वन वीक पहले 67 करोड़ का वॉल्यूम था, कल इसका 104 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका था, लेकिन आज 164 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। यानी पिछले दो दिन से तबाही मची हुई है, लोग किसी भी तरह से इनमें से निकलना चाहते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त माहौल लॉस का बन चुका है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। एक तरफ जो स्टेटमेंट दिया गया है आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से, उसके ऊपर उनकी तरफ से VI की तरफ से कोई कमेंट किया नहीं गया है, और लेकिन कुमार मंगल जो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने कह दिया है केंद्र सरकार से कि वो कंपनी को बचाने के लिए अपनी 27% की जो हिस्सेदारी है उसको बेचने को तैयार है। बिरला ने केंद्र सरकार को लिखा जो लेटर है उसमें कहा है कि वो किसी भी पब्लिक सेक्टर सरकारी या घरेलू वित्तीय कंपनी को अपनी हिस्सेदारी बेचने को तैयार है। यानी कोई भी अगर इसको खरीदार मिलेगा हम उसको ये कंपनी बेचने को तैयार है, क्योंकि हमें सरकार इस कंपनी को बचाना है और इसके लिए ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो आप खुद टेक ओवर कर ले, सरकार को बुलाए या फिर किसी और प्राइवेट फर्म को हमारे साथ में ऐड करने की कोशिश करें, हम अपनी हिस्सेदारी देने को तैयार है। कुमार मंगलम बिरला ने कैबिनेट सचिव राजीव गोबा को लिखा है पत्र। बिरला ने कहा है कि कंपनी कई निवेशकों से करीब 25,000 करोड़ रुपये जमा कराने की कोशिश में है, लेकिन उनसे की गई मांग में और उनकी एक ही वो मांग है कि वो इस मामले को आश्वस्त करें कि सरकार आगे जाके और किसी नए खिलाड़ी को खड़ा नहीं करेंगे, यानी बाजार में 3 प्लेयर ही रहेंगे। इस संभावना की अगर श्योरिटी सरकार की तरफ से दी जाए तभी हम आगे इसमें बढ़ सकते। तो इस तरह से मामला जो बन रहा है वो बहुत ही संजीदा बन चुका है और समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। यानी बहुत ज़बरदस्त इसमें लॉस की संभावना बन चुकी है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ये मामला बाहर खुल के आया है इसमें ज़बरदस्त तराई तराई मच चुकी है, लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा लेटर आखिर कुमार मंगलम बिरला ने क्यों लिखा? तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को अगले 10 सालों में 60,000 करोड़ रुपीज से ज़्यादा एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू AGR चुकाना है। मतलब कि 2021 से लेकर 2031 के बीच हर तिमाही उनको कम से कम 1500 करोड़ रुपये चुकाने हैं। और कुमार मंगलम बिरला और वोडाफोन दोनों ही इस पूंजी को लगाने से इनकार कर चुके हैं। यानी दोनों ग्रुप अपनी तरफ से एक भी नया रुपया अभी ऐड करने को तैयार नहीं है। काफ़ी ज़्यादा वो लगा चुके हैं और लॉस में जा चले गए, अब वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। और इसलिए बिरला ने केंद्र सरकार से कहा है कि AGR स्पेक्ट्रम पेमेंट पर मॉरेटोरियम और
फ्लोर प्रोसेसिंग के मुद्दे पर तुरंत सक्रिय समर्थन के बिना टेलीकॉम कंपनी पतन के अपूर्ण स्थान पर पहुंच जाएगी। यानी उन्होंने साफ कह दिया कि यह कंपनी डूब जाएगी अगर आपने इसमें कोई मदद नहीं की। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की नेटवर्थ निगेटिव में चली गई है। कंपनी लगातार नुकसान उठा रही है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में एक साथ 1.37 लाख करोड़ रुपीज़ खो दिए। नतीजन VIL की फाइनेंशियल ईयर 16 में जो नेटवर्थ थी 24,000 करोड़, वो फाइनेंशियल ईयर 2021 में निगेटिव 38,000 करोड़ पर पहुंच गई है। और फाइनेंशियल ईयर 2021 में VIL की करीब 44,200 करोड़ रुपीज़ का टोटल नुकसान हुआ है। यानी कंपनी जबरदस्त लॉस में चली गई है। और बिरला ने अपने खत में निवेशकों की तरफ से मांगे गए आश्वासन का जिक्र किया है। जियो इन्फोकॉम के आने के बाद से टेलीकॉम सेक्टर में कम टैरिफ का दौर आया था और जिसकी वजह से कई प्राइवेट कंपनियों की दुकानें बंद हो गई। सिर्फ VIL और एयरटेल ही दो प्राइवेट प्लेयर बचे थे और एयरटेल की स्थिति VIL के मुकाबले फिलहाल काफ़ी अच्छी है। आरोप लग रहे हैं कि केंद्र सरकार की मदद से जियो इन्फोटेक टेलीकॉम बाजार में मोनोपोली करना चाहती है। यह आश्वासन भी इसी सिलसिले में मांगा गया है। तो जो कंपनियाँ इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो चाहती है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करें, वो सरकार से श्योरिटी चाहती है कि उनके हितों की रक्षा की जाए आगे सरकार के माध्यम से। हालांकि निगेटिव नेटवर्क और भारी नुकसान की वजह से निवेशकों से पैसा मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। बिरला और वोडाफोन पहले से ही एक रुपया इसमें लगाने से मना कर चुके हैं। VIL में हो रहे नुकसान की वजह से आदित्य बिरला ग्रुप की बाकी सारी कंपनियों पर भी असर पड़ सकता है और इसीलिए कुमार मंगलम बिरला VIL में नुकसान करके भी इस कैपिटल को फायदेमंद बिजनेस की तरफ लगाना चाहते। यानी उनकी तरफ से ये सोच बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि उनके एक बिजनेस की वजह से दूसरे बिजनेस इफेक्टेड ना हो और इसीलिए जल्द से जल्द इस बिजनेस से बाहर निकला जाए और जो यहाँ से रकम मिले उसको दूसरे किसी बिजनेस में लगा दिया जाए ताकि फिर से गाड़ी पटरी पर आ सके। तो उन्होंने अपनी तरफ से नज़रिया क्लियर कर दिया है कि वो अब इस कंपनी में रहना नहीं चाहते और इसीलिए सरकार के पाले में गेंद डाल दी है। AGR के विवाद के बाद से टेलीकॉम सेक्टर की हालत और पतली हो गई है। AGR के कैलकुलेशन को लेकर टेलीकॉम विभाग और टेलीकॉम कंपनियों के बीच विवाद था। टेलीकॉम विभाग का कहना था कि AGR कंपनी की कुल आय पर लगनी चाहिए, मतलब ब्याज से कमाई, एसेट बिक्री से कमाई जैसे नॉन टेलीकॉम आय पर भी टैक्स लगना चाहिए। वही टेलीकॉम कंपनियों का कहना था कि AGR का कैलकुलेशन सिर्फ टेलीकॉम सर्विसेज से होने वाली आय के आधार पर होना चाहिए, न कि पूंजी पर। और कंपनी और टेलीकॉम विभाग के बीच ये विवाद 2005 से चल रहा है और तब टेलीकॉम कंपनियों के संगठन ने टेलीकॉम विभाग के दावे को चुनौती दी थी। उसके बाद में मामला ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और तब से इसके ऊपर कोई सेटलमेंट तो हुआ नहीं, लेकिन दोनों अपनी तरफ से दावे कर रहे और बहुत ज़्यादा AGR बकाया हो चुका है। तो इस समय कंपनी बिल्कुल डूबने के कगार पर आ चुकी है क्योंकि दोनों जो कंपनियाँ हैं VI और आइडिया ग्रुप, दोनों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं और नया कोई भी प्राइवेट पार्टनर इसमें एंट्री लेने को तैयार नहीं क्योंकि बहुत भारी कर्ज है। तो अब एक ही रास्ता बचता है कि सरकार को इसकी बागडोर संभालनी होगी और इसके सिवा ये कंपनी इसको बचाने में बहुत ज़्यादा मुसीबत आ सकती है। लेकिन फिर भी एक आशा की किरण दिख रही है क्योंकि यह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है। अगर ये कंपनी डूब जाती है तो बहुत सारे लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे क्योंकि VI एक अकेली छोटी कंपनी नहीं है। छोटे छोटे कस्बों गांव तक इनके एजेंट और इनके जो दुकानदार हैं जुड़े हुए हैं। तो बहुत बड़ा एक ग्रुप है जिसके लिए बहुत सारे लाखों लोगों की रोजी का संकट पैदा हो जाएगा। तो सरकार ऐसा कदम नहीं उठाएगी कि जिसकी वजह से इतनी बड़ी कंपनी बंद हो जाए और लाखों लोग बेरोजगार हो जाए। ऑलरेडी हिंदुस्तान में बेरोजगारी की संकट तो चल रहा है, तो सरकार इसके ऊपर कोई ना कोई स्टेप तो उठाएगी। और जो मर्जर की बातें चल रही है BSNL के साथ में, तो BSNL के साथ मर्जर करके, ऑलरेडी BSNL भी पहले से बहुत ही ज़्यादा वीक चल रही है, मर्जर का तो इसमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो सरकार को कोई और बड़ी किसी प्राइवेट फर्म को ये कंपनी सौंपनी होगी तभी इसका कुछ उद्धार हो पाएगा। लेकिन अब जरूरी हो गया है कि सरकार इसमें कोई बड़ा स्टेप उठाए, वरना ये जो शेयर धारकों की तो लॉस हो रही है बहुत ज़बरदस्त। जिस तरह से आज 20% की गिरावट हुई है, कल भी हो जाएगी तो अंत में क्या होगा, सारे के सारे पैसे तो डूब जाएंगे। लेकिन संभावना यही है कि सरकार कोई बड़ा स्टेप उठाए तभी वोडाफोन के जो शेयरधारक हैं उनके हितों की कुछ रक्षा हो पाएगी। तो आई होप कुछ सरकार जल्दी से जल्दी इसके ऊपर स्टेप ले। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।